अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। कुरान हकीम के नुज़ूल से पहले और बाद में एक लंबे अरसे तक अवाम और ख़ास के नज़दीक चाँद और सूरज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। उन दोनों को रोशनी का जरिया समझा जाता था। इसीलिए गैलीलियो ने जब ये दावा किया कि एक ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और दूसरे के गिर्द ज़मीन गर्दिश करती है, तो हंगामा हो गया। चर्च के ज़रिए इस साइंसी हकीकत की मुखालिफत की और उसके रद्द अमल में जन्म लेने वाली मजहबी बेजारी तारीख का हिस्सा है। कुरान हकीम ने गर्दिश आफ्ताब और महताब को दिन और रात से जोड़ कर फरमाया, और वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चाँद को पैदा किया। सब एक एक फलक में तैर रहे हैं, यानी लैल और नहार यानी दिन और रात का सिलसिला उनके अपने अपने मदार में गर्दिश करने के सबब जारी और सारी है। इससे आगे बढ़कर किताब हक आलम इंसानियत से सवाल करती है, क्या देखते नहीं हो कि अल्लाह ने किस तरह सात आसमान तह बतह बनाए और उनमें चांद को नूर और सूरत को चिराग बनाया। आफ्ताब व महताब के लिए इस्तेमाल होने वाली ये मुख्तलिफ इस्तिलाहात अपने अंदर माना और मफहूम का एक समंदर रखती है। शम्स और कमर के दरमियान महज उनके मदार का फ़र्क नहीं बल्कि उनकी साख्त भी अक्सर मुख्तलिफ है। एक महज रोशनी और दूसरा रोशन चिराग है। यहाँ सूरज के लिए सिराज यानी चिराग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और चांद को सिर्फ रोशन बताया गया है। साइंसी इजादात ने आगे चलकर इंकशाफ किया कि सूरज का कॉम्बिनेशन के अंदर चलने या तहीक के अमल जारी है, उसके सबब उसमें तोानाई पैदा होती है, यानी वो रोशनी के साथ साथ हरारत का मुनब्बे भी है और इरशाद हक है, और हमने सूरज को रोशनी और हरारत का ज़बरदस्त मुनब्बे बनाया है। सूरज और चाँद में यह फ़र्क है कि आवाज़ ज़िक्र की रोशनी से नबादात कार्बन डाइऑक्साइड से अपने लिए गिज़ा बनाते हैं और इंसानों के सांस लेने के खातिर ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। चाँद की रोशनी में यह अमल साकित हो जाता है और पेड़ पौधे भी इंसानों के मानिंद ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। कुरान हकीम में सूरज के साथ उसकी तवाज़त की कसम खाकर उसे गवाह बनाया गया, जबकि चांद को उसके पीछे तुलू होने वाला बताने पर इक्तफा किया गया। माहिरीन फलकियात अब ये तस्लीम करते हैं कि चांद महज सूरज की रोशनी के इनताफ की वजह से रोशन नज़र आता है और उसमें किसी किस्म का अमल तहरीक नहीं पाया जाता। कुरान मजीद के अंदर इन दोनों के लिए मुख्तलिफ और मुनफरिद अल्फाज का इस्तेमाल इस अमर की जानिब इशारा करता है। शम्स और कमर की गर्दिश से जन्म लेने वाले लैल और नहार को भी अल्लाह की किताब इंसानी हिदायत के खातिर एक आयत के तौर पर पेश करती है। फरमान रब्बानी है, इनके लिए एक और निशानी रात है, हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है। ये किताब इलाही की फसाहत और बलागत है कि दिन के हटने को रात का आना नहीं कहा गया, बल्कि उसकी आमद से उजाले के अंधेरे में बदल जाने का जिक्र फरमाया गया है। आगे गर्दिश शम्स और कमर की निहायत खूबसूरत मंजर निगारी के बाद फरमाया, न सूरज के बस में यह है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। कायनात हस्ती में सदियों से जारी और सारी इस सफर के बावजूद कोई टकराव या हादसा नहीं होता, क्योंकि चांद और सूरज अपने हुदूद से कभी इन्हिराफ नहीं करते। उसके बरक्स इंसानी समाज में अल्लाह की कायम करदा हुदूद को पामाल करने वाले लोग दूसरों के मदार में दाखिल होकर मुआशरे का अमन और अमान गारत कर देते हैं। मुल्क और मिल्लत के अंदर टकराव से बचने की तदाबीर को ट्रैफिक की मिसाल से समझा जा सकता है। सड़क पर हादसात को रोकने के खातिर रास्ते की मरम्मत, सारी गाड़ियों की यकसानियत या सारे ड्राइवरों यकसा महारत ज़रूरी नहीं है। इन उमूर में इख्तलाफात के बावजूद अगर हर कोई अपने हुदूद की पाबंदी करते हुए ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करे तो हादसे टल सकते हैं। लोग अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में अगर दूसरों के हुकूक का पास और लिहाज करें तो सुख चैन की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इंसानी ज़िंदगी हुकूक और जिम्मेदारियों के पहियों पर चलती है। अपने ज़ाती हक से दस्तबरदार हो जाना काबिले तारीफ अमल है। ये इसार और कुर्बानी मुखलिस अहले ईमान के लिए बाइस अजर और सवाब भी है।
लेकिन दूसरों के हक तलफी या अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में कोताही काबिले गिरफ्त है। ऐसा करने से न सिर्फ समाजी सतह पर अमन और सलामती को खतरा लायक हो जाता है, बल्कि इंसान दूसरों का सुकून गारत करके अपना चैन भी गंवा बैठता है। इसलिए अमन आलम के क़याम के खातिर हर फर्द का हुदूदुल्लाह के अंदर रहना शर्त अव्वल है, और अगर कोई इसको पामाल करे तो उसको रोकना अहम तरीन जिम्मेदारी है। इसके बगैर ये दुनिया अमन का गहवारा नहीं बन सकती। गर्दिश शम्स और कमर में ये दर्स इबरत भी है। फिलहाल की रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, अल्लाह।